प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई। ट्विटर पर लगा रहा बधाइयों का तांता। दिन भर टॉप ट्रेंडिंग में शामिल रहे शुभकामना संदेश। कई मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मायावती शिवपाल ने भी दी सीएम योगी को बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में मुख्यमंत्री ने किया पौधरोपण। हरिशंकरी के रोपण से सीएम योगी ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। एक ही थाले में एक साथ पीपल, बरगद और पाकड़ के पौधों को लगाए जाने को कहते हैं हरिशंकरी पौधरोपण। महामहिम के हाथों में खूब इतराया गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प। सीएम योगी ने राष्ट्रपति व राज्यपाल को भेंट की टेराकोटा की मूर्तियां। महामहिम के सपरिवार अवलोकन के लिए सर्किट हाउस में लगा टेराकोटा शिल्प का स्टॉल और मजबूत हुई ओडीओपी में शामिल टेराकोटा की ब्रांडिंग। पर्यावरण दिवस के दिन जन्मदिन और उसके प्रति योगी की प्रतिबद्धता। प्रस्तुत है गिरीश पांडे का गोरखपुर न्यूज के लिए स्पेशल स्टोरी। विश्व पर्यावरण दिवस पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला मीडिया से है रूबरू। कहा, धरती को बचाने के लिए हर व्यक्ति को करना ही होगा पौधारोपण, तभी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी रहेगा सुरक्षित। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को किया गया जागरूक। वक्ताओं ने कहा, वायु प्रदूषण आज भारत ही नहीं अपितु विश्व की बनता जा रहा है एक गंभीर समस्या। वृक्षारोपण और वृक्षों को संरक्षण करना है एकमात्र उपाय। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने विश्व पर्यावरण दिवस एवं अपने संरक्षक मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर किया वृक्षारोपण। प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने नागरिकों से की अपील। कहा, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कम से कम जरूर लगाएं एक पौधा। बच्चे और बड़ों ने सदर सांसद रवि किशन शुक्ला के साथ धूमधाम से मनाया सीएम योगी का जन्मदिन। सदर सांसद ने सीएम योगी को दी ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर राष्ट्र वंदन समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के चित्र पर तिलक लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जन्मदिन। गोरखपुर में 37 केंद्रों पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा सकुशल हुआ संपन्न है। 17,773 में से 8,733 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। 9,040 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य लोगों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का दिया संदेश।